स्पेशल इनसाइट। दोस्तों, अभिभावक नहीं कर सकेंगे खेल। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जो गार्जियन हैं वो काफ़ी चालाक साबित होते हैं। वो अपने बच्चों का दाखिला न केवल प्राइमरी पाठशाला में किए रहते हैं, बल्कि प्राइमरी पाठशाला तो नाम मात्र की होती है, किसी भी निजी विद्यालय में बच्चे को अपने पढ़ाते लिखाते हैं और सुविधा सारी की सारी दोस्तों सरकारी लेते हैं। अब ये खेल नहीं चल पाएगा क्योंकि स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जो नियमावली बना दिया है, जो प्रत्येक बच्चे का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर दिया है, वो यूडाइस पोर्टल पे जनरेट हो रहा है। एक बार बच्चा अगर आधार से पंजीकृत हो जाता है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल भले मैनुअली दाखिला कर ले, भले ही रजिस्टर पर बच्चे का नाम लिख ले, लेकिन जब यूडाइस जो कि पोर्टल है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का पोर्टल है, प्रत्येक विद्यालय के लिए यूडाइस पोर्टल अनिवार्य कर दिया गया है। हर एक विद्यालय का यूडाइस कोड होता है और उस यूडाइस कोड पे विद्यालय की पूरी कुंडली होती है। उसमें विद्यालय की जो भौतिक संरचना है, जो भौतिक वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है, भौतिक सुविधाएँ हैं, शिक्षकों की संख्या है, प्रिंसिपल का नाम है, शिक्षक की पूरी शैक्षिक योग्यता है, ना केवल इसका विवरण रहता है बल्कि कितने बच्चे नामांकित हैं, बालक बालिका के साथ साथ प्रत्येक बच्चे का आधार कार्ड, उसका स्कूल में एडमिशन रजिस्टर में जो SR क्रमांक है, वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं। अभी प्राइमरी स्कूल में यूडाइस जो पोर्टल है उस पर पूरी की पूरी फीडिंग चल रही है और लगभग 100% बेसिक स्कूल के शिक्षकों ने अपने बच्चों का डाटा अपडेट कर रखा है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जो निजी विद्यालय हैं, उन्होंने अभी इसकी शुरुआत नहीं किया है। काफ़ी हद तक विद्यालय पहल कर रहे हैं, 100% विद्यालयों ने दोस्तों नहीं किया है। तो आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसा खेल करता है तो अपने बच्चे के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार परिषदीय विद्यालय में बच्चे का नामांकन हो जाता है और यूडाइस पोर्टल पे बच्चा रजिस्टर हो जाता है, तो किसी भी निजी विद्यालय में अगर उन्होंने मैन्युअली उसका नाम लिख रखा है और इन फ्यूचर वो अपना यूडाइस पोर्टल पे फीडिंग करना शुरू करते हैं तो बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताएगा, जिससे आप ये मान के चल सकते हैं बच्चा डुप्लीकेसी की कैटेगरी में आ जाएगा। और ये जो टेंडेंसी है, इसी को ख़त्म करने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने पूरी की पूरी कवायद की है। आने वाले 1-2 माह में अगस्त तक पूरे की पूरी जब फीडिंग हो जाएगी तो कोई भी बच्चा डुप्लीकेट दोस्तों नहीं रह पाएगा। विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उसको एक ही विद्यालय से लेनी होगी, 2 विद्यालय का लाभ किसी भी अभिभावक को नहीं मिल पाएगा। आइए पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं, अपडेट करते हैं। अब एक यूनिक ID से ही होगी बच्चों की पूरी पढ़ाई। यूपी में अगस्त से लागू हो सकती है नई व्यवस्था, डबल एडमिशन पर लगेगी रोक। अब एक बच्चे का एडमिशन 2 स्कूलों में नहीं करा पाएंगे अभिभावक। अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। इसके अब प्रत्येक छात्र छात्राओं का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ID नंबर बनाया जाएगा। इससे बच्चे का एडमिशन प्रदेश के किसी भी स्कूल में कक्षा 1 में होता है तो उसी समय उसका यूनिक नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। वही यूनिक ID उसकी अंतिम शिक्षा यानी इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक आदि तक चलता रहेगा। प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी की ओर से यह पहल की जा रही, उम्मीद है कि अगस्त से यह व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था से डबल एडमिशन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। यूनिक ID यानी छात्र छात्रा की पूरी कुंडली। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज श्री प्रवीण कुमार तिवारी बताते हैं कि इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में छात्रों की पूरी कुंडली होगी। जैसे कि छात्र किसी भी स्कूल में या किसी भी शहर में पढ़ाई कर रहा है तो उसे उसी नंबर के जरिए आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा। अमूमन देखा जाता है कि अभिभावक अपने बच्चों का नाम परिषदीय स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी करा देते हैं। इससे विभाग के पास छात्रों की सही गणना नहीं हो पाती। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से छात्र को सिर्फ 1 स्कूल में दाखिला मिल पाएगा। आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है सारे बच्चे। परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। इस जनपद की बात करें यानी प्रयागराज की बात करें
90% बच्चों को आधार से लिंक कराया जा चुका है। यूनिक आईडी नंबर को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। यू डैश पोर्टल पर छात्र छात्राओं का पूरा विवरण होगा। इसे प्रत्येक वर्ष अपडेट भी किया जाता रहेगा। इसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, कक्षा आदि भरा जाएगा। तो दोस्तों ये रही न्यूज़, और आने वाले समय में डुप्लीकेसी पर लगाम के लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ये अनोखी पहल है और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आप वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।